क्या मुझे गेमिंग करते टाइम अपने चार्जर को कनेक्ट रखना है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक गेमर के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो जब भी आप अपनी लाइफ में पहला गेमिंग लैपटॉप लेते हो और आप उस पर गेमिंग स्टार्ट करते हो, तो ये क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन आता ही आता है कि जब मैं गेमिंग करूं तो क्या मुझे प्लग इन रखना है कि प्लग आउट रखना है। सो दोस्तों, आज भी मुझसे बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं सिंपल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूं। देखो, जो तो एक्सपीरियंस्ड गेमर है, यानी 3, 4 या 5 साल या 1 साल से गेमिंग कर रहे हैं, उनको इसका आंसर पता ही है इसका आंसर क्या है। बट जो लोग आज भी इस चीज़ को लेके गलत प्रिसेप्शन बनाए हुए हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, बिकॉज इस वीडियो में इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि प्लग इन करके गेमिंग करनी है कि प्लग आउट करके करनी है। तो चलो वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक जरूर कर देना, एंड ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहो, आपको लगे कि मैंने वैल्यू क्रिएट करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस रेड बटन को प्रेस करके हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मैंने इस पे ऑलरेडी एक काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले, बट उस पे ज़्यादातर फोकस पावर अडेप्टर पे भी था। तो अगर आप वो भी देखना चाहो तो मैं आपको आई कार्ड पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही उसको देखना, इसको स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक लैपटॉप में बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक कंपोनेंट जो है वो फुल पोटेंशियल पे तभी काम करता है जब उसको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई की जाती है। दो मेजर कंपोनेंट्स की बात करें जो आपके लैपटॉप में रहते हैं, उसमें से है एक CPU, एक GPU। एंड CPU और GPU अपनी अपनी पावर लेके आते हैं, उनका एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पावर होता है जिस पे वो फुल पोटेंशियल पे काम करते हैं। एंड देखो, CPU इज एक्सटेंसिवली यूज्ड व्हाइल यू आर डूइंग योर प्रोडक्टिव स्टफ, एंड GPU इज एक्सटेंसिवली यूज्ड व्हेन यू आर गेमिंग ऑन योर लैपटॉप। तो जब आप लैपटॉप पे गेमिंग करते हो तो आपका CPU बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है। अगर आपको आपके GPU का फुल पोटेंशियल चाहिए तो उसको उतनी पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन लेट सपोज मैं एक ऐसा यूज़र हूँ, मेरे दिमाग में आज भी ये डाउट है कि मुझे प्लग इन नहीं करना चाहिए, उससे मेरी बैटरी डैमेज होती है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा उस केस में? प्लग आउट करके गेमिंग करूँगा। अब देखो, प्लग आउट करके अगर मैं गेमिंग करता हूँ, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक तो आपको FPS कम मिलेंगे, उसके पीछे रीजंस आपको खुद समझ आ जाएंगे। अगर मैं प्लग आउट करके गेमिंग करता हूँ तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी बैटरी उतनी कैपेबल नहीं है कि वो आपके कंपोनेंट्स को उतनी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई कर सके। अगर लेट सपोज वो कर भी देती है तो ज्यादा देर टिकेगी नहीं, आधे घंटे में या पौने घंटे में पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अब मैं एक ऐसा यूजर हूं जो प्लग इन करके हमेशा अपने गेमिंग को करता हूं, उस केस में क्या होता है? देखो, जब मैं प्लग इन करके गेमिंग को करता हूं तो जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो पावर है वो डायरेक्ट AC सोर्स से मिलती है, विच इज कमिंग थ्रू माई पावर अडेप्टर। मेरा पावर अडेप्टर 135 वाट का भी हो सकता है, 150 वाट का भी हो सकता है, 180 वाट का भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन माई लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस कि कौन से कंपोनेंट्स यूज किए, उसी हिसाब से आपका पावर अडेप्टर बनता है, जो मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझा रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको देखने के लिए। तो जब मेरे कंपोनेंट्स डायरेक्टली AC पावर पे काम करेंगे तो उनको उनकी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पावर जो है वो मिल जाएगी। जब उनको उनकी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पावर मिल जाएगी, उससे मेरे को एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, FPS अच्छे मिलेंगे एज कंपेयर टू जब मैं बिना प्लग इन करके खेल रहा था। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये मेरी बैटरी को डिस्ट्रॉय करेगा अगर मैं प्लग इन करके गेमिंग करूंगा? सो दोस्तों, आपको यहां पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बैटरी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। एंड ये मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप प्लग इन करके गेमिंग करते हो तो आपके कंपोनेंट्स जो है वो डायरेक्ट पावर लेते हैं आपके AC सोर्स से, एंड आपकी बैटरी जो है वो हल्की हल्की चार्ज होती है, यानी उसकी जो चार्जिंग की स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो वो धीरे धीरे चार्ज होगी, एंड जैसे ही 100% चार्ज होगी, आपका लैपटॉप इतना स्मार्ट है कि उस पूरी पावर को रिडायरेक्ट करेगा आपके कंपोनेंट्स की तरफ, एंड बैटरी उसके बाद चार्ज होना बंद हो जाएगी। इट मीन्स कि आपकी बैटरी चार्ज हुई लेकिन उसके बाद डिस्चार्ज नहीं हुई। हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, बट उस केस में इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्लग आउट करके गेमिंग करता हूं तो मैं एक ऐसा यूजर हूं जो डायरेक्ट बैटरी पे गेमिंग कर रहा हूं, मुझे FPS कम मिलेंगे, मेरी बैटरी जल्दी डाउन होगी, उसके बाद मैं फिर चार्ज करूंगा,
80-90% या 100% तक, फिर से उस पर गेमिंग करूँगा, फिर डाउन करूँगा, फिर चार्ज करूँगा, तो उससे मेरे जो लैपटॉप की बैटरी के साइकिल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं एंड बैटरी कहीं ना कहीं मैं डैमेज कर रहा हूँ। जो कि प्लग इन करने के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी बैटरी को डैमेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको ईजी भाषा में समझा दिया। तो बेसिकली सिंपल सी कहानी यही है कि आपके कंपोनेंट्स को पावर चाहिए, आपकी बैटरी उस पावर को सप्लाई नहीं कर सकती, तो उस पावर को सप्लाई करने के लिए आपको चार्जर को प्लग इन करना पड़ेगा ताकि आपको गेमिंग करते समय अच्छे FPS और अच्छा बटरली स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके एज पर योर स्पेसिफिकेशन। सो दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको सिंपल शब्दों में समझ आया होगा कि आपको क्यों प्लग इन करके ही गेमिंग करनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अ गुड थिंग टू डू बट इट्स अ रिकमेंडेड थिंग ऑल्सो। तो ये फुली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से एंड मैंने अपने डिफरेंट कस्टमर रिव्यूज एक्सपीरियंसिस वाली वीडियो में भी डिफरेंट कस्टमर से पूछा एंड जितने भी लोगों से मैंने पूछा है उन सब ने यही कहा है कि वो भी प्लग इन करके ही गेमिंग करते हैं। सो इट्स अ रॉन्ग प्रिसेप्शन इफ दैट इज इन योर माइंड कि आपको प्लग इन करके गेमिंग नहीं करनी चाहिए। इस प्रिसेप्शन को खत्म कर दो एंड प्लग इन करके गेमिंग करो, गेमिंग का लुफ्त उठाओ, मजा उठाओ, आपकी बैटरी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ऑसम कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि कॉन्टेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम एंड आप लोगों के फीडबैक्स हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, इसलिए हमें नया नया कंटेंट जो है वो हमेशा ध्यान में रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।